इंडिया टूरिज्म के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रॉबर्ट्स केव यानी गुच्छू पानी एक 650 मीटर लंबी अद्भुत गुफा है। देहरादून रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर इस गुफा में बहते झरने घुटनों से नीचे तक पानी, गुफाओं के चारों तरफ से पानी की धारा, वो पानी इतना साफ होता है कि चांदी की तरह इस पानी पत्थर भी चमकते हैं। देहरादून जू और मालसी डियर पार्क, जो अब देहरादून जू के नाम से जाना जाता है, यह वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का केंद्र है। देहरादून से 10 किलोमीटर दूर मसूरी रोड पर स्थित है, जिसकी एंट्री फीस 10 रुपये पर पर्सन है और 2 घंटे आसानी से घूम सकता है। यह दरबार महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। देहरादून में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें झंडा उत्सव 1699 गुरु राम राय के शहर में आने के तौर पर मनाया जाता है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर के कारवा गांव में स्थित है। यह पिकनिक स्पॉट है, वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। 1 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद यहां पहुंचा जाता है। यहां आपको बहुत पक्षी ऐसे दिखेंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। सहस्त्री धारा देहरादून में बहुत लोकप्रिय जगह है। यहाँ आप हर रोज़ लोगों की संख्या देख सकते हैं। यह सल्फर स्प्रिंग के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि सल्फर स्प्रिंग वाटर में शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए कई मान्यताएँ मानी जाती है। जहाँ देखे वहाँ प्रिंट वक्त रहता है। यहाँ पर गोपाई व महादेव किसान द्वारा के फन एंड फूड किंगडम अपनी सुंदरता, सजावट और वाटरफॉलिंग के लिए प्रसिद्ध है। लच्छी वाला एक पिकनिक स्पॉट है। यह देहरादून की फेमस जगह है, जो पर्यटकों से खचाखच भरी रहती है। यहाँ की सुंदरता, बहता हुआ पानी में जाने से आप खुद को रोक नहीं सकते। वन विभाग द्वारा यहाँ पर्यटकों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। एफआरआई 2000 एकड़ में फैला हुआ एक टिम्बर म्यूजियम है। टूरिज्म के लिए यहाँ पिकनिक प्लेस, बोटैनिकल गार्डन वह दुनिया में सबसे लोकप्रिय फॉरेस्ट म्यूजियम एफआरआई में मौजूद हैं। डाट काली मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो सहारनपुर देहरादून हाईवे पर है। देहरादून से 14 किलोमीटर दूर यह मनोकामना सिद्धपीठ के बारे में भी जाना जाता है। मां डाट काली मंदिर की मुख्य विशेषता है कि इस मंदिर के अंदर एक दिव्य ज्योति जली रहती है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर दूर गड़ी कैंड में स्थित है। यहाँ एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिस वजह से इसे टपकेश्वर मंदिर कहते हैं।